छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के ठाकुर टोला के पास बने टोल प्लाजा के विरोध में शहर के लोग सड़क पर उतर आए, टोल प्लाजा हटाने को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान गुस्साए लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की। घटना के वक्त शहर के महापौर हेमा देशमुख भी मौजूद थी। राजनांदगांव शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम ठाकुर टोला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है। इस टोल प्लाजा के निर्माण के बाद यहां राजनांदगांव पासिंग की CG8 गाड़ियों को टोल से छूट देने की बात कही गई थी, जिसके बाद यहां की गाड़ियों को टोल से राहत भी मिली, लेकिन फास्टैग आने से अब स्थानीय गाड़ियों से भी टोल वसूली की जा रही है, जिसके विरोध में आज शहर के सभी दलों से जुड़े लोगों ने टोल प्लाजा के समीप पहुंचकर प्रदर्शन किया और इस टोल प्लाजा को यहां से हटाकर टप्पा क्षेत्र में ले जाने की बात कही। तोड़फोड़ की सूचना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई, फिर भी पुलिस के सामने ही लोग अपना गुस्सा टोल प्लाजा पर उतार रहे हैं। इस संबंध में राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख ने बताया कि टोल प्लाजा में जो तोड़फोड़ हुई है वो हमने नहीं की है, हम हिंसा के पुजारी नहीं, महात्मा गांधी को मानने वाले हैं, हम यहां शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने आए थे। हमारी मांग है कि शहर की गाड़ियों को निःशुल्क किया जाए, लेकिन उनके द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना गया, इसलिए टोल प्लाजा के बाजू में एक अप्रोच सड़क का निर्माण करवाएंगे जहां से लोग गाड़ियों से आवाजाही कर सकेंगे, यहां कोई टैक्स नहीं लगने देंगे। कहा कि CG8 पासिंग गाड़ियों के लिए फ्री लेन की मांग कर रहे थे, पर कंपनी के लोग मानने को तैयार नहीं हुए। छत्तीसगढ़ से संवाददाता प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। Hey, Dad!
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।